हेलो किड्स, चैप्टर फिफ्थ मल्टीप्लाई, पेज नंबर 100। अब यहाँ हम देखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी देखो, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उसकी टेबल हमें बोलनी होती है ऊपर वाले नंबर से। तो ये टू डिजिट नंबर है, टेंस और वंस, 39। तो हम पहले 3 की टेबल 9 बार बोलेंगे, तो 3 की टेबल अगर हम 9 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 3 9 जा कितने होते हैं 27। 39 कितने होते हैं 27। तो ये 27 है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 जो है वो हम इसको नीचे उतारेंगे और 2 है वो इसके 3 के ऊपर, क्योंकि हम दोनों डिजिट यहाँ नहीं लिख सकते। अब देखिए, 3 की टेबल अगर हम 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो 9 आया। तो अब फिर हम क्या करेंगे, 2 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 9 10 11। अगर हमने 2 ऐड करे तो कितने हो गए, 11। इसी तरीके से हम 8 की टेबल 6 बार बोलेंगे, तो बोलिए 8 1 जा 8 8 2 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 6 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 48 का सिर्फ 8 लिखना है अपन को और 4 इसके ऊपर लिखना है। अब देखिए, 8 4 जा 8 4 जा 32 32 में हम 4 ऐड करेंगे तो 32 33 34 35 36। तो यहाँ क्या आ गया, 36। इस तरीके से देखो करते जाएंगे हम। 7 की टेबल हम 6 बार बोलेंगे तो 7 की टेबल 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 42 का, जैसे हमने यहाँ 42 है तो राइट साइड में जो 2 है तो हम इसको 2 यहाँ लिखेंगे और इस साइड में जो 4 है तो उसको हम ऊपर लिख देंगे। अब हम 7 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 7 5 जा 35 35 के बाद हम 4 काउंट करेंगे, 36 37 38 39। तो इसमें जो भी इसका आंसर आएगा, 7 की टेबल बोलने के बाद 35 आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो 35 36 37 38 39। तो यहाँ क्या आएगा, 39 यहाँ पूरा इसलिए आएगा क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम पूरा 39 लेंगे कि अगर इसके आगे कोई नंबर होता है तो हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं और 3 इसके ऊपर लिखते हैं। अब देखिए, 8 9 जा 72। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 72 ऐसे लिखा जाएगा, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया और 7 इसके ऊपर लिख देंगे। अब देखिए, 8 1 जा 8। अब 8 1 जा 8 8 आया, तो 8 में हम 7 ऐड करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ क्या आ गया, 15। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये सिंपल है कि 2 4 जा 8, क्योंकि ये 1 डिजिट ही है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते, जैसे 18 होता या कुछ और होता, तो हम यहाँ 8 लिखते और 1 कैरी ऊपर लगाते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 8 लिखेंगे। अब 2 6 जा 12, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, 5 2 जा 10, तो 10 की हम क्या लिखेंगे, 0, तो 1 इसके ऊपर लगाएंगे। 5 8 जा 40, 40 और 1 कितने होते हैं, 41। इस तरीके से हम ये सारे मल्टीप्लाइज करेंगे। ओके किड्स, थैंक यू।